देख रहे हो यार, मतलब पार्किंग कहाँ पे करना है पता नहीं चल रहा यार। मतलब इधर से ऐसे ही जाए जा रहा है, इधर भी एंट्री नहीं है। ये क्या हो रखा? अच्छा यहाँ पे एंट्री है, लेफ्ट ले लो, यहाँ से एंट्री दे रहा पार्किंग का मेरे से ख्याल से। बट ये देखो यार कितना बड़ा सा मॉल है यार। मतलब लेकिन ऊपर लिखा हुआ है ना द ग्रेट वेनिस मॉल, दिख रहा है ऊपर वो वाली सेंट। हाँ, और फिर आवाज करना स्टार्ट हो चुका था सीट बेल्ट के कारण। यहाँ पे कैसे लग जाएगा यार, फिर निकालने में प्रॉब्लम होगी ना। सामने की साइड चल लो। सो देख रहे हो पार्किंग भाई, मतलब पार्किंग तो सही है, बेटर है, बट यार काफी कम गाड़ियां हैं यहाँ पे, मतलब इसके कंपैरिजन में। तो मैं तो इधर भी दिखाना भूल गए थे, ये देखो इधर भी सारा सोसाइटी है। कुछ में तो बहुत सारा सोसाइटी तो लगा हुआ भी नहीं है भाई, बहुत सारा फ्लैट। ये देखो कंस्ट्रक्शन वाली, अभी हाफ ही कंस्ट्रक्शन है, लाइक उतना बड़ा अपार्टमेंट बन चुका है लेकिन अभी एक भी फ्लैट तैयार नहीं हुआ, सिर्फ कंस्ट्रक्शन। ये देख लो यार, देख रहे हो कैसे बोटिंग होती है। फाइनली ये देखो सिनेपोलिस आ चुके हैं, लाइक सारा मूवी यार किल नेक्स्ट अगला आने वाला है 5 जुलाई को आने वाला है, ये वाला 18 जुलाई को, और फिर सारा मूवी आने वाला है। यहाँ से एंट्री है अपना, क्योंकि और कुछ लोग एग्जिट कर रहे हैं अभी तो यहाँ। जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस आज के आज आप लोग दिल्ली से, मतलब बिहार से दिल्ली आए। आज सुबह आए थे, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, और इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं मुंजिया मूवी देखा था, उसमें जिक्र करा था कल की मूवी का। जब मैंने मुंजिया मूवी देखने गया था ना, तो उस टाइम मैंने बोला था कल की मूवी जब रिलीज होगी ना उस टाइम आप लोग देखेंगे, और उस टाइम मैंने आपको थोड़ा सा ट्रेलर के थ्रू दिखाया था कल की मूवी के बारे में, बस लिटिल बिट, जो ट्रेलर आती है ना थिएटर में वो वाली मैंने दिखाया था। सो मैंने आपको वादा भी करा था कि कल की मूवी आएगी तो मैं उसको देखने जाऊंगा और आपको उसका रिव्यू दूंगा। हालांकि फुल रिव्यू मेरे को नहीं आता देना, कैसे दिया जाता है, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक समझते हो ना, जब कोई चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होना तो करना काफ़ी घाटेमंद साबित होता है। बट फिर भी आज अपन लोग जा रहे हैं कल की मूवी देखने के लिए ग्रेटर नोएडा, ग्रैंड वेनिस मॉल, वहीं पर मूवी हॉल, उसी में जा रहे हैं। और कल की का अपन लोग टिकट भी काट लिए, जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो, प्रीमियम में K1 K2 नहीं है, K3 K4 और K5। तो अभी अपन लोग कार की तरफ आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी भी भर चुका है इधर, कार इधर से निकलते और पहले अपने को ग्रेटर नोएडा जानी है। परी चौक उधर है कोई लोकेशन है, वहीं पे अपना ग्रैंड वेनिस मॉल है, उसी में अपना सिनेमा हॉल है। तो बस चलते हैं और फिर आपको रिव्यू देते हैं यार, कैसा मूवी आप लोगों को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए वो भी आपको बताएंगे। तो प्लीज़ गाइस वीडियो में बने रहना, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिल अभी समझ सकते हो ना, जितना हो सके उतना दबा के शेयर करना गाइस। तो अभी तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा बाकी है, तो चलते हैं मॉल में और फिर मज़े करते हैं आराम से, और आपको दिखाते हैं मूवी का कुछ कुछ पार्ट आपको दिखाएंगे, जैसे कि अपने को कॉपीराइट ये सब ना मिले वैसा आप लोगों को क्लिप दिखाएंगे। बट हाँ रिव्यू जेन्यून देंगे गाइस, आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए, जैसा कि मैंने मुंजिया मूवी का भी रिव्यू दिया था ना, आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए वैसे ही इसका भी रिव्यू देंगे। तो अभी यहाँ से निकालते हैं गाड़ी और चलते हैं गाइस। जहाँ तक पानी भरा पड़ा आगे की साइड देख रहे हो, उधर पानी है और इधर देखो थोड़ा बहुत कचरा टाइप का है, प्लस पानी इधर भी है थोड़ा थोड़ा जम चुका। अपना फोर व्हीलर ये है, लाइक यही वाली है, देख लो जब से मैं गया हूँ ना तब से फोर व्हीलर निकला ही नहीं है। सोचो 4-5 दिन हो गया, मतलब 5 दिन आज मिला के बोल सकते हो, 4 से 5 दिन। तो अभी इसको कवर हटाते हैं और फिर यहाँ से निकालते हैं अपन लोग फोर व्हीलर। सो फाइनली भाई थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा था बट फिर भी अभी सही है, अंदर कार में तो थोड़ा बहुत गर्मी लग रहा है। आज स्टार्टिंग में एंट्री लिया ना तो गर्मी लग रहा था, बट AC अपन लोग ऑन किया ना तो थोड़ा बहुत गर्म हो गया। क्या बोल रहे भाई, कुछ भी बोले जा रहा है, मतलब AC ऑन किया ना तो ठंड हुआ है अभी थोड़ा बहुत, तो अभी का सही लग रहा है। बट अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत गाड़ी अपना सफाई कर रहा है, बारिश के कारण ना इसका जो कवर था ना कार का वो सारा धुल चुका था, बहुत सारा गंदा था पहले से लेकिन बारिश के कारण पूरा एकदम धुल चुका है। तो उसको अपन लोग फोल्ड करके कार का डिक्की में डाल दिए, और कार में थोड़ा बहुत पानी लगा था तो उसके कारण पोंछने में ना काफी अच्छा से क्लीन हो गया। तो अभी अपन लोग कार का सफाई कर ली और अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट। लाइक ये देखो 2:36 हुआ है, 4:15 का शो है, तो अभी समझ ही सकते हो। और सामने की साइड देख ही रहे हो गाइस कैसा भी सीन है, इधर की साइड देखो। सो गाइस देखो अभी अपन लोग जा रहे हैं किधर, मूवी के लिए ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं, और ये देखो बस आगे की ओर जाते ही जा रहा है।
यहाँ से अभी और भी बहुत सारा दूरी पे जाना है अपने को, बस जाते जा रहे। इधर का रोड देख रहा हूँ कितना मस्त लग रहा है, साइड साइड से नीम का पत्ता है और नीम का पेड़ सारा दिख रहा हूँ। कहीं कहीं के तो नीम का पेड़ मिलता ही नहीं है, कहीं इतना सारा नीम का पेड़ मिलता है ना कि पूछो ही मत। और ये नीम का पेड़ ना सबसे ज्यादा आपको ग्रेटर नोएडा तरफ मिलेगी, नोएडा की तरफ ही मिलेगी, दिल्ली में तो मिलती ही नहीं है भाई नीम का पेड़ कहीं भी नहीं, बहुत रेयर किस्म मिलती है। और सामने की साइड देखो यार, मतलब कितना अच्छा रोड लग रहा है। और इसे देखो, ये मस्त मोबाइल लेके देख रही है बैठ के आराम से। क्या देख रही है समू? यूट्यूब पे ये देखो शॉर्ट्स देख रही है। ओ मोमोज भाई, मोमोज देख रही है, मोमोज खाने के लिए। अभी मूवी देखने जाना है, फिर मोमोज खाएंगे। और अपना कार से पीछे का देख रहे हो, ये क्या लिखा हुआ पढ़ के कोई बता सकते हो क्या? मैं बताऊं? अगर नहीं पता ना तो मैं बताता हूँ। हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा, ऐसा लिखा हुआ उल्टा साइड से पढ़ रहा है। पीछे साइड से पढ़ोगे ना तो यही लिखा हुआ मिलेगा। प्लस देखो बाइक, टेम्पो और फोर व्हीलर ये सब। हम तो मस्त वाले पीछे बैठे हुए हैं क्योंकि अपने को राइड नहीं करना। और सौम्या मस्त वाला बैठ के मोबाइल देख रही है, सिर्फ मोमोज ही मोमोज, सिर्फ मोमोज। हम भी मोमोज खाएंगे आज, घर जाएंगे ना तो मोमोज खाएंगे, क्योंकि यार वहाँ जब गाँव गए थे ना वहाँ पे मोमोज बहुत ज्यादा मिस किए थे। और जो अपना ट्रेवलिंग वाला वीडियो आएगा ना, जो अपन लोग दिल्ली से पटना गए थे और फिर पटना से दिल्ली आए थे, बोलो इधर से स्लीपर से गए थे बिहार, उसका ये वीडियो, जस्ट ये मूवी वाली वीडियो आएगी ना कल की, इसके जस्ट नेक्स्ट में आएगी दिल्ली टू पटना वाला। और पटना से अपन लोग फर्स्ट एसी से आए थे सरंजीवी से, उसका वीडियो उसके जस्ट बाद में आएगी, तो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना गाइस। और आज का वीडियो तो बिल्कुल ही देखना गाइस, क्योंकि काफी मस्त वाला वीडियो होने वाला है। हम लोग देखो रोड के ऊपर से चल रहे हैं, एक रोड नीचे भी है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? वो देखो सामने फोर व्हीलर जा रही है ना, एक नीचे के साइड से भी रोड है। प्लस उधर देखो इंडस्ट्री है सब, दिख रहा है? जो भी है ना नोएडा की तरफ काफी सारा इंडस्ट्री है। प्लस इधर बहुत ही डेवलप लगता है यार, देखने में लगता है यार कि हाँ है। ये देखो अभी इधर के साइड कुछ दिखने वाला है, दिखना भी। ये देखो सामने की साइड भाई, क्या बिल्डिंग दिख रहा है यार, बहुत सारा बिल्डिंग। ये सोसाइटी है, जितना बड़ा दिख रहा है ना वो वाली बिल्डिंग, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा साइड साइड में इतना पेड़ है ना कि दिखने को नहीं मिल रहा होगा, बट ये सोसाइटी सामने से अब दिखेगा। ये देखो ये वाली सोसाइटी है भाई, पेड़ पौधा इतना है ना कि कुछ दिखता नहीं। यू ही थोड़ी बोलते यार यूपी, मतलब ग्रीन नोएडा भाई, इतना एवर ग्रीन है ना, इतना सारा पेड़ पौधा है ना, इसीलिए इसको ग्रीन नोएडा बोलते हैं। और फिर ये देखो सारा बिल्डिंग्स भाई, दिख भी ना रही है, पेड़ के बाजू से ही दिख रही है सारा बिल्डिंग। ये देखो भाई, ये देखो किसा कैसा बिल्डिंग है भाई, मतलब देख रहे हो? ये देखो सोसाइटी उधर के साइड और ऐसा ऐसा बिल्डिंग है कुछ। ये भाई अब दिखा ना, ये देखो कैसा कैसा सोसाइटी है, देख रहे हो भाई? मतलब मस्त लग रहा, कार थोड़ा बहुत जर्क हो रहा ना। प्लस ये देखो यार भाई, फुल्ली ग्लासेस, पूरा ग्लास से एकदम बना हुआ, ये देख रहे हो? ओ भाई, अरे यार ये क्या हो रहा भाई, काफी अच्छा लग रहा। प्लस मेट्रो स्टेशन बाजू से ही एकदम है, पास में ही देखो मेट्रो भी क्रॉस हो रही है, प्लस बाजू में उतना बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग। यार बातों में तो इधर भी दिखाना भूल गए थे। ये देखो इधर भी सारा सोसाइटी है, कुछ में तो बहुत सारा सोसाइटी तो लगा हुआ भी नहीं है भाई, बहुत सारा फ्लैट। तो गाइस देखो अभी ना मम्मा क्या बोल रही है ना, छोला भटूरा को छोले भटूले, क्या बोलते हैं मम्मी? छोले भटूले, छोला भटूरे, स्वरूप ऑफिस के नीचे मिलता है। क्या मिलता है? छोले भटूरे, भटूरे भटूले ना, छोला भटोला, छोला भटोला भाई, छोला भटोला, छोले भटूरे, हाँ छोले भटूले मिलता है, वही ऑफिस के नीचे ही मिलता है छोले भटूले। वही ऑफिस के नीचे ही छोले भटूरे मिलता है भाई, एक ऑफिस के नीचे। हाँ तो बोला कि हम तो नहीं देखे, कभी खाए हैं? अच्छा कभी नहीं खाए हैं तो बाहर में मिलता है। अरे अरे मम्मी मिलता होगा, खाई होगी दीपा। अरे मम्मी छोले भटूरे मिलता है, छोले भटूले नहीं मिलता, छोले भटूरे मिलता है। हाँ किधर मिलता है?
वही ऑफिस के नीचे मिलता है भाई। और ये देखो गाइस, तो देखो इधर से ना अपन लोग लेफ्ट लेंगे ना तो यमुना एक्सप्रेस वे चले जाएंगे। लाइक इधर से अपन लोग जो भी जाते ना वृंदावन ये सब जाते हैं, यमुना एक्सप्रेस से ही जाते हैं। प्लस अपन लोग बिहार भी गए थे यही रोड से, यमुना एक्सप्रेस वे से। और अभी अपन लोग सामने के साइड जा रहे हैं क्योंकि अपना जो परी चौक है ना सामने ही है परी चौक, और उधर ही अपना ग्रैंड वेनिस मॉल। तो चलते हैं सामने के साइड ही और फिर देखते हैं। इधर का लोकेशन काफी अच्छा लग रहा है, काफी प्यारा सा लग रहा है लोकेशन भाई। ऐसे ही थोड़ी बोलता है नोएडा ग्रीन भाई। ये देखो कैसा ग्रीन है, पार्क टाइप का एकदम बीच बीच में बना रखा है, देख रहे हो, लग रहा बिल्कुल पार्क बना हुआ है बीच बीच में। दोनों साइड रोड है और बीच में देखो पार्क टाइप का मस्त वाला बना हुआ है। और फिर ये देखो नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन है, ये देख रहे हो नॉलेज पार्क 2 अल्फा गामा सब है। हाँ इधर ही अल्फा गामा है ना भाई, सही बोला यार। नॉलेज गांव, नॉलेज मेट्रो, मतलब इधर नॉलेज लेना है तो आ जाओ इधर, अल्फा बीटा गामा सब मिलेगा मेट्रो स्टेशन। ये देखो परी चौक आगे है ग्रेटर नोएडा, सामने दिख रहा है, देखो अब दिखेगा ना। ये देखो परी चौक ग्रेटर नोएडा आगे है थोड़ा सा, प्लस आगे ही अल्फा बीटा गामा मेट्रो स्टेशन है जो भी है। मैथ का 3 है ना अल्फा बीटा गामा, वही आगे है मेट्रो स्टेशन इधर ग्रेटर नोएडा में। लेकिन हम लोग उधर नहीं जाएंगे अल्फा बीटा गामा। प्लस ये देख रहे हो भाई साहब, मतलब क्या ही मस्त वाला लग रहा है ना, ये देखो यार भयानक वाला लग रहा है यार। मतलब इधर इधर का सीन तो अपन लोग कभी लिए ही नहीं थे। ये दूसरा नहीं बोल सकते, तीसरा या फिर चौथा बार, क्योंकि इधर एक कॉलेज भी था, उधर भी अपन लोग आते थे बट कभी कभी आते थे, वही तीसरा चौथा बार ही है इधर, बट उतना गौर नहीं किए थे। ये देख रहे हो फाउंटेन्स, छोटा छोटा सा फाउंटेन्स एकदम, कितना प्यारा लग रहा था यार, छोटा छोटा सा फाउंटेन्स था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और अब भी अपन लोग परी चौक आ चुके हैं, यही परी चौक है, पूरा गोल एकदम घूमना है। और इसी के आगे अपना कुछ ही टाइम बाद ना अपना मिलने वाला ग्रैंड वेनिस मॉल। और अपन लोग अल्फा बीटा गामा का रूट में नहीं जा रहे क्योंकि उसका रूट अलग हो जाता है और अपना इसका रूट अलग हो जाता है ग्रैंड वेनिस मॉल का। ये देखो गाड़ी चलाने वाले को पता नहीं, सामने के साइड जाना है अपन लोग को। इधर तो भाई जगह जगह पे छल्ली बिक रही है यार, हर एक जगह पे, हर 500 मीटर पे एक छल्ली का शॉप है। शॉप नहीं मतलब ऐसे ही ठेले पे बेच रहे हैं। तो भाई अपने को इधर से ना सामने वाला रूट जाना है, और इसको अपन लोग क्या नाम देते पता है आपको, एकदम सामने से आओ गोल थोड़ा सा घूमो और सामने की साइड फिर से रोड में चले जाओ। इसको अपन लोग करोलबाग कट बोलते हैं क्योंकि करोलबाग जाते हैं ना तो ऐसा ही कट आता है, लाइक एक दो रोड क्रॉस करो और तीसरा रोड में फिर से मुड़ जाओ। ऐसे अभी दो रोड क्रॉस हुआ, तीसरा रोड में इधर आ गया, तो इसी को करोलबाग कट बोलते हैं अपन लोग। बट और सारे लोग क्या बोलते हैं नहीं पता, बट अपन लोग तो यही बोलते हैं ग्रेट। और अपन लोग सामने बिल्डिंग बोल रहे थे, यही है भाई ग्रेट वेनिस मॉल, इधर ही अपने को लेना है। बाहर से देख रहे हो कितना घटिया लग रहा, एकदम कोई मेंटेनेंस बाहर से नहीं है, बट देखते हैं अंदर में मेंटेनेंस है या फिर नहीं है। बाहर से टूटा फूटा सा एकदम लग रहा है, ये देखो है ना टूटा फूटा सा एकदम, बट अंदर से देखते हैं यार अंदर से कैसा मेंटेनेंस है भाई, एकदम पूरा पुराना लग रहा है। तो यार मतलब पार्किंग कहाँ पे करना है पता नहीं चल रहा यार, मतलब इधर से ऐसे ही जाया जा रहा है, इधर भी एंट्री नहीं है, ये क्या हो रखा। अच्छा यहाँ पे एंट्री है, लेफ्ट ले लो, यहाँ से एंट्री दे रहा पार्किंग का मेरे ख्याल से। बट ये देखो यार कितना बड़ा सा मॉल है यार, मतलब लेकिन ऊपर लिखा हुआ है ना द ग्रेट वेनिस मॉल, दिख रहा है ऊपर वो वाली, और यहाँ से एंट्री अपना। ये देखो इधर से भी पार्किंग नहीं है, मतलब क्या ही बोले यार, किधर से पार्किंग है, सिर्फ इतना बड़ा सा मॉल है और कोई पार्किंग का अवेलेबिलिटी नहीं शो कर रहा कहीं पे। तो इतना अपन लोग घूमे हैं, प्लस यहाँ पे आने के बाद पार्किंग मिला है, तो यहाँ पे पहले चेकिंग करेगा डिक्की है सब। सो ये देखो भाई अभी अपन लोग नीचे की साइड जा रहे हैं पार्किंग में, पहले ही पैसा ले लिया यार 60 रुपया, बट फिर भी सही है, मतलब 60 रुपया ही तो लिया ना, और सारी जगह मॉल में तो भाई टाइमिंग ज्यादा होगा उसके हिसाब से पैसा लेते हैं। बट ये देखो पार्किंग, इधर भी बारिश हो रखा है भाई, मतलब इधर तो कोई फोर व्हीलर है ही नहीं, थोड़ा बहुत और सारे मॉल जैसा, मतलब जितना बड़ा मॉल है ना उसके हिसाब से ना, मतलब ये तो 1% ही मतलब सिर्फ गाड़ी भरी है, ज्यादा जा रहा है 10%। हाँ और फिर आवाज करना स्टार्ट हो चुका था सीट बेल्ट के कारण, यहाँ पे कैसे लग जाएगा यार, फिर निकालने में प्रॉब्लम होगी ना, सामने की साइड चल लो। सो देख रहे हो पार्किंग भाई, मतलब पार्किंग तो सही है, बेटर है, बट यार काफी कम गाड़ियां है यहाँ पे, मतलब वेरी वेरी स्कैरी मॉल।
ऐसा बोलते हैं भाई। बहुत ही डरावना मॉल लग रहा है, देख रहा कुछ है ही नहीं, हॉन्टेड मॉल लग रहा है भाई। किधर कोई भूत प्रेत है क्या भाई? इधर देखो, एक और पार्किंग, फिर इसके बाद ऊपर और, ये देखो ये भी पार्किंग है, ये भी पार्किंग, इसके ऊपर एक और जाना है अपन लोग को, यहाँ से ये देख रहे हो, यहाँ से जाना है एक और ऊपर। क्या मतलब मॉल है यार, ये मॉल के ना चारों तरफ बोट है, और ये देख रहे हो यहीं से ना मेरे को लग रहा था ग्रेट वेनिस मॉल लिखा हुआ था ना, उसी टाइम से मेरे को लग रहा है ये ब्रिटिश टाइम से ही बना हुआ है, और उसी टाइम से ये देख रहे हो उसी टाइप का स्ट्रक्चर वाला बोट है, प्लस ऊपर के साइड देखो यार क्या भयानक लग रहा है। और इधर देखो क्रॉसिंग वाला, ये देख रहे हो इससे क्रॉस करो, इधर के साइड आओ, इधर के साइड आते जाओ आगे की साइड देखो यार, चारों तरफ पानी है, चारों तरफ आपको ना घुमाएगी ये बोट, ये जो बोट है ना चारों तरफ आपको रोटेट करके घुमाएगी भाई, बहुत ही भयानक है यार। सही बात है, स्पेस बहुत ही ज्यादा इसके पास है। ये देख लो यार, देख रहे हो कैसे बोटिंग होती है। तो इसका स्पेशल वाला वीडियो लाएंगे, बस आप लोग कमेंट कर देना प्लीज गाइज, अगर पसंद आए तो। सो गाइज, मैं ना अपना लाइफ में पहली बार इतना बड़ा मॉल में आया हूँ, पहली बार, प्लस कुछ अलग ही यूनिक लग रहा है ये मॉल, एकदम यूनिक जो होता है ना वही यूनिक लग रहा है। तो मैं तो खो रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है ना ब्रिटिश के ज़माने के लोग में ये मॉल बनाए होंगे, और अभी ऐसा हाल हो चुका है लाइक एकदम खोने वाला। अगर अकेले आओगे ना तो भूल जाओगे, ये तो 100% श्योर है गाइज, जो कभी नहीं आए होगे वो खो जाओगे। और मेरे को ऐसा लग रहा है अपन लोग भूल चुके हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल अब किधर है वो पता नहीं चल रहा, इतना बड़ा मॉल है ना, लाइक क्या नहीं है यहाँ पे गाइस, जो आप लोग ढूंढना चाहोगे ना इच एंड एवरीथिंग, हर कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। अभी देखो अब लोग हॉन्टेड प्लेस पे आ चुके हैं, देख रहे हो। सो हर कुछ यहाँ पे, डरावना इतना लगे ना, अगर रात के टाइम में आओगे ना, ज़्यादातर लोग नहीं होंगे ना तो डर जाओगे भाई, इतना भयानक डरावना है। हर जगह पे क्या क्या यूनिक यूनिक सा चीज़ है ना, वो भी बहुत भयानक भयानक सा चीज़ है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, मैं स्पेशली आपको बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताना, इसका बहुत ही स्पेशल वीडियो लाएंगे, बट हाँ ना फुल डिटेल में बताएंगे ना ये इसका वीडियो ब्लॉग, तो भाई 3-4 घंटे का हो जाएगा, इतना बड़ा ये द ग्रेट वेनिस मॉल है। तो सोचा यार कितना भयानक, कितना लंबा वीडियो बनेगा, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना गाइस, आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो पॉलिस आ चुके हैं लाइक सारा मूवी यार किल। नेक्स्ट अगला आने वाला 5 जुलाई को आने वाला है, ये वाला 18 जुलाई को, और फिर सारा मूवी आने वाला, यहाँ से एंट्री है अपना, क्योंकि और कुछ लोग एग्जिट कर रहे हैं अभी, तो यहाँ से अपना एंट्री है। अब कितना नंबर पे देता है वो तो पता नहीं, बट देखते हैं यार क्या यहाँ का सीन है, क्या यहाँ का सीन होता है। स्नैक्स से सब तो अपन लोग इंटरवल के टाइम ही लेंगे, बट यहाँ पे पहले टिकट चेक करवाना पड़ेगा। मतलब बाहर से ना काफ़ी धांसू लग रहा है, देख रहे हो भयानक लग रहा है बाहर से यार। ये देखो यहाँ पे टिकट काउंटर है, बट अपना तो ऑनलाइन टिकट है, और फिर यहाँ से टिकट दिखाओ और एंट्री लो। ये देखो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख रहे हो कितना भयानक है यार। अपना स्क्रीन 1 है, ऑडी 1 है, ये ऑडी 2 है, वो वाली ऑडी है जहाँ पे लोग खड़े हैं ना, वहीं पे अपना ऑडी 1 है, वही अपना है। टिकट में तो आप लोगों ने देखा हुआ यार ऑडी 1 है, और ये ऑडी टोटल ऑडी 5 है, मतलब टोटल 5 स्क्रीन है यहाँ पे। इधर बैठने वाले लोग हैं, और इधर से अपना एंट्री ऑडी 1 देख रहे हो, और इधर स्नैक्स है सब, सारा कुछ पॉपकॉर्न है सब। फाइनली गाइस अभी टाइम हो गया, और अभी आप लोग चलते हैं स्क्रीन के अंदर लाइक मूवी हॉल के अंदर, और फिर आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, प्लस टोटल 5 स्क्रीन है ना, 5 मूवी है, तो समझ ही सकते हो कितना भीड़ होगा। तो मैं और सौम्या इधर बैठे हैं, और सौम्या के पापा गए हैं सौम्या के लिए स्नैक्स लाने के लिए, तो अभी चलते हैं अंदर सिनेमा हॉल में। और सौम्या देखो यहाँ पे बैठी है, मस्त रूस गई है, इसको पॉपकॉर्न चाहिए, बट पॉपकॉर्न यार इतना ज़्यादा लंबा लाइन था ना कि नहीं लिए, तो वहाँ से वो लोग शायद एंट्री भी ले लिए। तो चलते अभी देखते हैं, यहाँ पे कुछ सामान है अपना लाइक पानी है इसमें, क्योंकि पानी का जरूरत तो पड़ेगा ही ना, तो अभी चलते हैं अंदर के साइड। वहाँ से 3D है ना, तो पहले अपने को चश्मा लेना पड़ेगा। अंदर चले भी गए यार, मतलब हम दोनों पीछे रह गए, तो चलते अभी अंदर। हो यार ऐसा है, मतलब सीट भी देख रहे हो कितना भयानक वाला है, देख रहे हो सीट अपना क्या में सबसे ऊपर वाला है अपना। सो ये अपना सीट है भाई, अंधेरा हो गया यार। ये देखो स्क्रीन कुछ ऐसा है, स्क्रीन ऐसा है। अब सौम्या रूस गई, आ जाओ सौम्या आ जाओ, रूस गई। चश्मा बस लाइट ऑफ हो गया। ये लो मूवी स्टार्ट, लाइक अभी डेडपूल का ट्रेलर है जो
हाँ मूवी का ट्रेलर आ रहा है इसका, डेडपूल का। तो अच्छा यार, ऊपर के साइड का देख लो, ये देख रहा हो एक्समैन का ट्रेलर यार, कते ही भयानक वाला लग रहा है यार। ये ट्रेपोनो का कुछ सामान है, ये देखो गॉगल्स अपना 3D वाला, इसको पहन के अपने को देखनी है मूवी। और ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है अपने को, मस्त लग रहा है यार। और ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं कुछ खाने के लिए। भाई सीन देख रहे हो क्या भयानक लग रहा है। मेगा टब आ गया अभी खाने वाला, और ये अकेले खाएगी मस्त वाला। 3D ग्लास लगा लिए चश्मा, और देखेगी और खाएगी, और अपना सामने की साइड मूवी जिसको कि ऐसे लगा लेंगे ना तो अच्छा दिखेगा। देखो यार अभी मूवी खत्म हुई है यार, कते जहर वाला मूवी था। मेरा सीट सबसे ऊपर था, और अब अभी लोग नीचे के साथ एग्जिट करेंगे, वहां से बाहर निकलेंगे। देख रहे हो कितना भयानक भीड़ था यार, सारा सीट एकदम फूल था यार। सीट देखो आगे तक का फूल था एकदम, यहाँ तक के फूल था सारा। तो अभी एग्जिट करते इधर से अपन लोग, मूवी बहुत ही धांसु था यार, बहुत ही भयानक वाला। फाइनली गाइस अपन लोग कल की देख लिए यार, काफ़ी भयानक वाला मूवी था यार, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो हाफ इंटरवल में तो भाई मतलब थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का होता ना, उससे थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा बहुत बोरिंग लगा, बस 5-10 मिनट, उसके बाद बहुत ही अच्छा लगा। इंटरवल के बाद भाई 1 मिनट भी ना आपको आँख बंद करने का मौका नहीं मिलेगा, इतना अच्छा अच्छा सीन आपको लगेगा। प्लस जब पता चलेगा ना लास्ट में, वो जो अमिताभ बच्चन के पास अश्वत्थामा के पास एक लाठी होता ना, वो कर्ण का जो तीर धनुष था ना, धनुष वही वाला उसका लाठी था, वो लास्ट में यूज होता है। तो आप लोग प्लीज़ यार मूवी देखना यार, मैं पूरा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मूवी ओवरऑल बहुत ही बेटर है। इसका पार्ट 2 ना नेक्स्ट लेवल आने वाली है, तो पार्ट 2 के लिए प्लीज वेट करना। और जो जो अभी तक नहीं देखो ना कल की, प्लीज़ गाइस सिनेमा हॉल जाओ, कोई भी नज़दीकी सिनेमा हॉल, सस्ता टिकट भी ले सकते हो। 2D में भी देखोगे तो काफ़ी बेटर होगा, हालांकि मैंने 3D में देखा है, तो बिना चश्मा का आप लोगों को व्यू दिखा देंगे, लाइक देख लिए होगा बिना चश्मा का कैसा व्यू आ रहा था, चश्मा पे कैसा व्यू आ रहा था। सो होप कि आप लोगों को अच्छा लगे, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। सो आप लोग प्लीज़ गाइस एक बार ज़रूर जाना नज़दीकी सिनेमा हॉल में, या फिर OTT पे आ जाती है मूवी। सो हॉल में नहीं भी जाओगे ना तो देख सकते हो आराम से, डाउनलोड करना और फिर देखना। सो सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करने के लिए गाइस, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, बाय बाय। और फिर ये द ग्रैंड इसका मॉल का ना आपको फुल वीडियो चाहिए होगा ना, तो स्पेशल वाला वीडियो लाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सो बाय बाय, जय श्री राम गाइस, बाय बाय। अपन लोग इससे नीचे जा रहे हैं, और नीचे के साइड देख रहे हो बहुत ही भयानक मॉल है भाई, बहुत ही भयानक वाला मॉल है। मतलब देख के ना आप लोग सोचोगे कि हाँ क्या मॉल है यार, अपने को तो बहुत ही पसंद आया। ऊपर का व्यू देख रहे हो नज़ारा भाई, एक बार ना बनता है यार स्पेशल वाला वीडियो। ये देखो ऊपर की साइड का कंस्ट्रक्शन कैसा वाला मस्त लग रहा, हॉन्टेड है वो वाली ना, द डेड हाउस है, उसमें जाओगे ना तो बहुत ही भयानक वाला डरावना लगेगा। प्लस वो स्नो वाला है, तो उधर भी जाके ना काफ़ी मस्त लगेगा। प्लस इधर का सीन तो बहुत अच्छा है। एक बार ही ना प्लीज़ यार कमेंट करना यार अगर आप लोगों लगे तो, वरना मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई।